देखिए, कुछ बच्चों को ज्वाइन करने में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम सिर्फ ई और ए ओ की तैयारी करा रहे हैं, कि हम ए पी एफ सी की तैयारी नहीं करा रहे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। जो आप ई और ए ओ के, आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो बच्चे ई और ए ओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 100% वो ए पी एफ सी के लिए भी अप्लाई किए होंगे। तो हम हर चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, और आपको जो सिलेबस है वो जो नौ टॉपिक आपके ई और ए ओ में है, वो नौ टॉपिक आपके इसमें भी है। ये दोनों चीज़ बहुत कॉमन है, नौ टॉपिक आपको उसमें भी मिलेगा। बस उसमें एक्स्ट्रा जो आपके आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, जो एंशिएंट और मेडिवल वाला पार्ट है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन है, आपके इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा विस्तार पूर्वक उसमें चीज़ें हैं, तो इकोनॉमिक्स की ज़्यादा कमांड है उसमें ए पी एफ सी में होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वही एक्स्ट्रा है, बाकी आपको जो ई पी एफ ओ स्पेशल है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लेबर लॉ, इंडस्ट्री रिलेशन, ये आपको ए पी एफ सी में भी पढ़ना है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट ए पी एफ सी में भी पढ़ना है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन है, जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना ही है, मैथ्स रीजनिंग जो इसमें है वो आपके इसमें भी है, सारी चीज़ें तो कॉमन है, बस हल्का फुल्का जो उसमें चेंजेस है वो भी हम पढ़ाएंगे। तो आप ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रखिए, एकदम बेझिझक होकर के पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ग्रुप को ज्वाइन करिए। अब आपके पास, क्योंकि आज लास्ट डेट है एग्ज़ामिनेशन की फॉर्म फिल करने का, बड़े तादाद में, बड़े लाखों में बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है 418 और 159 सीटों के लिए, तो आपको बहुत मेहनत करनी है और एकदम बिल्कुल भटकना नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की डिमांड सिर्फ फैक्चुअल है, मतलब बिल्कुल वन डे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे यूपीएससी बहुत विस्तार पूर्वक चीज़ें सब्जेक्टिव वाली नहीं, जैसे कि आपसे यूपीएससी में पूछी जाती है, बहुत सब्जेक्टिव वाली, बहुत आपको घोर अध्ययन आपको इसमें होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जितनी चीज़ें हैं ये वन डे वाली हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट का यहाँ पर ज़्यादा वो है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, अगर मैं एक सिंपल वे में कहूँ, जो अभी नए बच्चे इसमें मतलब नए अप्लाई करने वाले उनको मैं कहूँ, तो रटना है आपको एक फैक्चुअल, फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल फैक्ट वाले चीज़ें आपको रटनी है। अब आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या है, तो बस आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एकदम आप ग्रुप को ज्वाइन करिए 9792568848 पे, जहाँ पे हम आपको आपके एग्ज़ाम अकॉर्डिंग जो एग्ज़ामिनेशन की डिमांड है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम समय में, बहुत कम अमाउंट में, सिर्फ 400 में आपको अच्छे अच्छे मटेरियल हर दिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही हम आपको लेक्चर सीरीज़ दे रहे हैं, आपको पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि आप उसको रटते रहिए, भूलिए नहीं। नेक्स्ट डे के लिए क्या करना है वो भी हम पहले आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को पढ़ के तैयार रहिए, उसके बाद अब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व करिए। तो बहुत अच्छी क्लास दे रहे हैं हम, बस आपको अपना डेडिकेशन उसमें देना है और ग्रुप को ज्वाइन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये एक परीक्षा है जिसमें एक एग्जामिनेशन को दे करके आप यूपीएससी लेवल की नौकरी पा सकते हैं, और बहुत भीड़ है इसमें, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और सोच लीजिए कि बस इससे अच्छा एग्ज़ामिनेशन आपको अभी तक कोई परीक्षा नहीं है, इससे बढ़िया परीक्षा, तो आप एकदम अप्लाई कर चुके होंगे तो एकदम मन लगा के पढ़िए। ऐसा नहीं कि अप्लाई करके बस इधर उधर भटकते रहना है, कोई अच्छी चीज़ें दे दे, कोई इधर से दे दे, उधर से दे दे, पहले तो ज़्यादा इधर उधर भटक के मटेरियल पढ़ना ही नहीं है आपको, बहुत लिमिटेड चीज़ें रखनी है, और बहुत लिमिटेड चीज़ें हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरीके की चीज़ों को लीजिए, क्योंकि हम आपको बुक खरीदने को बिल्कुल नहीं कह रहे, हम सारी चीज़ें आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, तो बस आपको एकदम भरोसे के साथ उसमें अपना डेडिकेशन देना है। ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप, जो लोग अभी तक नहीं किए हुए हैं 9792568848 पे, स्क्रीन पे नंबर भी दिए हुए हैं, तुरंत ज्वाइन करिए और एकदम लग जाइए।